अरे बेटा तुम यहाँ? चलिए अच्छा है, हमें किसी ने पहचाना तो सही। अरे अपनी बेटी को कोई कैसे भूल सकता है। अब रहने दीजिए मम्मी, सुबह सुबह ना हमसे झूठ मत बुलवाइए। एनीवेज ये जाने दीजिए और ये बताइए यहाँ क्या हो रहा था और ये रचना किससे माफी मांगने जा रही है। कुछ नहीं, बस ये अपने बॉस से लड़ाई कर और अब वापस जाने में डर लग रहा है। बॉस? बॉस कहीं वो तो नहीं जिसके साथ इसकी फोटो छपी थी अखबार में? हे भगवान, मम्मी आप है ना, तू मच है। वो सब होने के बाद आप इसे वापस वहां जाने के लिए बोल रही है। क्यों ना जाने दे, इसे अपने काम से प्यार है और इसे माफी मांगनी चाहिए। मिसेस गुंजन गर्ग, अगर पति की सेवा से फुर्सत हो गई हो तो थोड़ा सा ध्यान अपनी ननद पर भी दे दो। चाय पानी कुछ मिलेगा? सीमा कहती है तुम रुको बेटा, मैं जाके ले आती हूँ, मैं पानी ले आती हूँ तुम्हारे लिए। वाह, यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारा घर है। मतलब घर की बहू आराम से यहाँ बैठी है और बेचारी सास सबकी सेवा में जुटी है। पढ़ाई पूरी हुई नहीं और लड़कियों को काम पर जाने दे रहे हैं, चाहे बहू उनकी बेइज्जती हो चुकी हो। वाह मम्मी, आपने बताया नहीं कि हमारे घर में ये प्रगति की लहर कब दौड़ गई? रातों रात सबके विचार इतने खुले कैसे हो गए? हम तो जब छोटे थे तो मजाल है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करने दिया गया हो, चाहे वो पढ़ाई हो या दोस्तों के साथ घूमना फिरना या फिर शादी ना करने की आजादी। बोलिए ना माँ, क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया? हमें एक बैर समझकर शादी नाम के खूंटे से क्यों बांध दिया गया? हमें तो याद नहीं कि इस घर में हमारे रहते आइसक्रीम तक अकेले खाने जाने दिया गया हो। हमारी विदाई होते सब बदल गया। वाह, ये सरासर नाइंसाफी है। हमारे हाथ में खट्टे बेर पकड़ा दिए गए और इन दो राजकुमारियों को मिले मीठे आम। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इनकी जिंदगी में करेले का कड़वा रस जरूर खोलेंगे।